वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मेरे प्यारे बच्चे, स्पोकन का मैं सीरीज देने जा रहा हूँ और स्पोकन में मैंने दिया है कि हर बच्चे को अंग्रेजी बोलने का अधिकार है। आप भी हो, आप भी बोल सकते हो अंग्रेजी। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अंग्रेजी के लिए। यहाँ पे बेसिकली बात करूँ कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, कुछ भी बोलना चाहो, आप बोल सकते हो आज के बाद अंग्रेजी। कोई भी सेंटेंस हम लेते हैं, कोई भी सेंटेंस हो, जैसे भी हो, तुम्हें अंग्रेजी बोलना हो। आज देखो कैसे बोलते हैं। पहले ये जानते हैं कि सेंटेंस का नेचर कैसा होता है। बेसिकली मैं बात करूं सेंटेंस के नेचर पे, तो सेंटेंस के नेचर दो तरह से होते हैं। जो हम बोलना चाहते हैं उसमें कुछ होते हैं कि भाई कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसके मालिक होते हैं और कुछ ऐसे जिसके मालिक नहीं होते। तो जिसके मालिक होते हैं, यानी कह सकते हो कि वैसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब हुआ डूअर, का मतलब हुआ लिविंग। ये सब्जेक्ट डूअर जो काम करता है, लिविंग ये होता है। अब होता है, अब अंग्रेजी बोलना है। एक सब वैसा होता है जिसमें सब्जेक्ट यानी कि डूअर यानी कि लिविंग का अभाव होता है, अभाव होता है। तो हमने दो बार देखा कि अगर सेंटेंस है तो सब्जेक्ट डूअर लिविंग होता है, दूसरा सब्जेक्ट है डूअर लिविंग का अभाव होता है। यहां पे एक एक बात आप लिखते रहो, साथ साथ चलते रहो, तब आपको अंग्रेजी आज क्या सिखा दूंगा, आपका अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा। आप दुनिया कोई सेंटेंस बोल सकते हो। तो हमने कहा कि सब्जेक्ट अगर लिविंग हो, डूअर हो, जैसे हमने बात करा यहां पर कि वी हो, आई, यू, ही, सी या फिर दे, इनके साथ कोई भी आप एग्जिलिब लगा सकते हो, इज, एम, आर, वाज, वर, इसके बाद आप कोई भी आर्टिकल और इसके बाद कोई नाउन या फिर एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हो। अब हमने आप बोला बच्चे कि सब्जेक्ट हो गया आई, वी, यू, ही, सी, दे, इसके बाद हमने इज, एम, आर, इसके बाद लगाया वाज और वर, इसके बाद आर्टिकल। अब आर्टिकल में आप कुछ भी लगा दो, या तो ये लगा दो या एन लगा दो। इसके साथ हमने नाउन और एडिटिव दिया, इसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया। अब इसके माध्यम से जितने अंग्रेजी आपको ध्यान देना है कि यहां पे नाउन या एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो सकता है, आर्टिकल ए या एन, इसके साउंड के आधार पर। अब सब्जेक्ट बी हो, आई हो, यू, ही, सी, दे, इसके आधार पे एक एक वर्ब लेना है और यहां पे बींग वर्ब का बोध कराना है। अब हम कुछ भी वर्ब लें, मान लो हमने एक वर्ड लिया वी, यहां पे हमने लिया एडजेक्टिव लेजी। अब आप सबसे बोलो वी आर लेजी, आई एम लेजी, ही इज लेजी। अब आपको पता है कि ही सिंगुलर है तो ही इज लेजी। अब बोलना मैं आलसी हूं, आई एम लेजी, तुम आलसी हो, यू आर लेजी, हम लोग आलसी है, बी आर लेजी, वे लोग आलसी है, दे आर लेजी, वह आलसी है, सी इज लेजी, वह आलसी है, ही इज लेजी। ठीक है, मैं आलसी था, आई वॉज लेजी, तुम आलसी थे, यू वर लेजी, आ रहा है ना, वे लोग आलसी थे, दे वर लेजी। तो एक वर्ड लेना है, अंग्रेजी बोलना आपके लिए बहुत आसान है, एक शब्द लेना है और हजारों वर्ड उसे सेंटेंस फ्रेम करते रहना है। आपको बोलना है हैप्पी, आपने बोला मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, मैं खुश था, आई वॉज हैप्पी, तुम खुश हो, यू आर हैप्पी, तुम खुश थे, यू वर हैप्पी। देख रहे हो आप, तो कुछ भी हो, जितना आपको दो चार पांच वर्ड में अभी दे दे रहा हूं। मेरे साथ बोलो, अब कैसे बोलो मेरे साथ। अब यहां पे देखो कुछ वर्ड लिख दिया हमने, हमने बोला वी, आई, यू, ही, सी, दे। जब आपको बोलना नहीं आएगा, गारंटी 100% बोलना आ जाएगा। देखो कैसे वी, अब वी के साथ इज एम आर क्या लगाओ, तो वी प्लूरल, आई सिंगुलर, यू प्लूरल, ही, सी, सिंगुलर, दे। अब देखो आप पहला वर्ड वरिड दिया, अब पहला वर्ड क्या दिया वरिड। अब यहां से बोला हमने वी आर वरिड, सेटिस्फाइड वी आर सेटिस्फाइड, सेल्फिश वी आर सेल्फिश, मॉडर्न वी आर मॉडर्न, ओके वी आर ओके, राइट वी आर राइट, राइट। अब एक आई लेते हैं, आई एम वरिड, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेल्फिश, आई एम मॉडर्न, आई एम ओके, आई एम राइट। क्लियर? तो वरिड चिंतित होना, सेटिस्फाइड संतुष्ट होना, सेल्फिश स्वार्थी होना, मॉडर्न नयापन, ओके ओके राइट सही। अब बोला हमने दे, तो हमने क्या बोला, दे आर वरिड, दे आर सेटिस्फाइड, दे आर सेल्फिश, दे आर मॉडर्न, दे आर ओके, दे आर राइट। तो आपको करना बेटा यह है कि एक वर्ड लेना है, आपको बोलना आ जाएगा आज और अभी से, बस सेंटेंस का फ्रेम देखना है। कोई भी सेंटेंस बोल सकते हो आप इसके माध्यम से। हमने बोला सी इज वरिड,
सी इज ओके, सी इज राइट, सी सेटिस्फाइड. अब यहां देखो वर से, दे आर वरिट, दे वर वरिट, यू वर वरिट, वी आर वरिट, वी वर वरिट. तो इस तरह से सेंटेंस आप बोल सकते हो. और देखते हैं अगले स्ट्रक्चर में. अब यहां पे देखिए हमने कुछ और वर्ड लिया है. अब इसके साथ क्या करना है कि हमने लिया वी आई यू ही सी दे इज एम आर वाज वेयर, ए प्रेजेंट की बात करेगा, ए पास्ट की बात करेगा, आर्टिकल ए एन लगाया, इसके साथ नाउन और एडजेक्टिव डाल दिया. अब यहां पे सिंपल के साथ, इन सबके साथ चाहो तो आप मैन जोड़ दो स्ट्रक्चर में, तो ये बन जाएगा तुम्हारे एडजेक्टिव, ये बन जाएगा नाउन. अब हमको बोलना है कि तुम एक सिंपल आदमी हो. अब तुम के लिए क्या लिया, यू, यू के साथ लिया आर, तो यू आर अ सिंपल मैन, यहीं पर जोड़ दिया हमने एडजेक्टिव. तो क्या बोल दिया, यू आर अ सिंपल मैन, तुम एक सिंपल आदमी हो. हम लोग सिंपल आदमी हैं, तो वी आर अ सिंपल मैन. मैं एक सिंपल आदमी हूं, आई एम अ सिंपल मैन. वह एक सिंपल आदमी है, ही इज अ सिंपल मैन. वह एक सिंपल लड़की है, सी इज अ सिंपल गर्ल. वे लोग सिंपल आदमी है, दे आर अ सिंपल मैन. क्लियर. अब इस तरह से सारे वर्ड को आप बोल सकते हो. पर तो मेरे साथ बोलो, तुम एक बेवकूफ लड़के हो, यू आर अ फुलिस बॉय. मैं एक बेवकूफ लड़का हूं, आई एम अ फुलिस बॉय. वह एक बेवकूफ लड़का है, ही इज अ फुलिस बॉय. क्लियर. तो मैन जोड़ दो, बॉय जोड़ दो, गर्ल जोड़ दो, और जितना मन करे उतना सेंटेंस आप बोलो. आप आराम से फ्रेम कर सकते हो. हम लोग क्यों नहीं बोल पाते, क्योंकि वोकैबुलरी का भाव होता है, स्ट्रक्चर का भाव होता है. आप शुरुआत से शुरू करो. इसको हमने पार्ट वन नाम दिया है. अब यहां देखो स्ट्रेंज, स्ट्रेंज में क्या बोलना है, तुम अजीबो गरीब आदमी हो यार. तो तुम अजीबो गरीब आदमी हो, यू आर एन स्ट्रेंज मैन. You are a strange man, ठीक है. हमने बोला तुम एक responsible आदमी हो, You are a responsible man, ठीक है. वह extraordinary है, He is an extraordinary man, clear. अब उसको He is a rich man, He is a lazy man, He is a foolish man, He is a simple man, He is a different man, He is a strange man, He is a responsible man, clear. अब बोलते मैं एक simple, मैं एक foolish, I am a foolish man, I am a lazy man, I am a rich man, I am a different man. इस तरह से आप कई सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो. आप आसानी से इसको बोल सकते हो. अब देखते हैं इसके पार्ट टू को. कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें होता यह है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता. जैसा देखा था आपने, यहां पे हमने कहा कि डूअर का भाव होता है. डूअर का भाव यानी सब्जेक्ट का भाव हो रहा है, सब्जेक्ट नहीं होता. उसमें काम करने वाला भाव होता है, यानी हम बात करें तो नॉन लिविंग होता है. सेकेंड पार्ट देखा था. अब ऐसा अगर हो तो इसके साथ सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद कोई एक्सिलरी वर्ब. एक्सिलरी में क्या लगाओगे, तो इज, एम, आर. आप चाहो तो लगा दो वाज, वर, और इन सब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए. क्या लगाइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म. अंग्रेजी बोलना बहुत आसान, जैसे आप समझिए आराम से. हमने यहां पर कहा कलम टू, कलम टूट गया, ठीक है. रोड, रोड बनता है. अब बोलो कलम टूट गया, कलम है ना सब्जेक्ट, लेकिन कैसा है, डूअर नहीं है, सब्जेक्ट नॉन लिविंग है. तो जब डूअर नहीं, डूअर का भाव हो, सब्जेक्ट है कलम लेकिन कैसा है, नॉन लिविंग, निर्जीव हो, तो उस केस में क्या करना है कि सब्जेक्ट हो गया कलम, तो हमने बोल दिया पेन. अब पेन सिंगुलर है, तो चाहो तो बोलो ये पेन, चाहे तो बोलो द पेन, ठीक है. अब लगा दिया इज एम आर, तो अ पेन या द पेन. इज टूटना का ब्रेक, ब्रेक का ब्रोकन, वित्री, तो बोलो अ पेन इज ब्रोकन, अ पेन इज ब्रोकन. कलम टूट गया, कलम टूट गया. रोड बनता है, तो रोड इज रिपेयर्ड. अब रोड सिंगुलर है, तो अ रोड इज रिपेयर्ड. द चाहो तो द रोड इज रिपेयर्ड. क्लियर. तो जब कोई सब्जेक्ट नॉन लिविंग हो, या फिर हम कह सकते हैं नॉन लिविंग हो या फिर नॉन डूअर हो, तो हम लोग क्या लगाते बेटा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वित्री. मकान रंगे जाते हैं, तो मकान का बिल्डिंग्स आर कलर्ड. रोड की मरम्मत की जाती है, बिल्डिंग्स आर रिपेयर्ड. आ रहे ना जी बोलने के लिए, रोड, रोड इज रिपेयर्ड, रोड्स आर रिपेयर्ड, रोड वॉज रिपेयर्ड, रोड्स वर रिपेयर्ड. आ रहा अंग्रेजी, क्लियर. पुल बनता है, पुल का ब्रिज,
तो अ ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड, अ ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड, तो पुल बनता है इज कंस्ट्रक्टेड, बनता था अ ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड, क्लियर। हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मान लो कि सब्जेक्ट नॉन डूअर की बात कर रहा हो, यानी डूअर नहीं है, जैसे तुम्हें पढ़ाया जाता है तो तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हें पढ़ाया जाता है तो यू आर टॉट, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया जाता है यू आर टॉट इंग्लिश, इसको लिख लेना है, कलम कॉपी लेकर के बैठना है, यू आर टॉट इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया जाता था यू वर टॉट इंग्लिश, है ना, हमने क्या बोला देखो गौर से, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया जाता था, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया जाता था। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, पता है क्यों, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि पूरे भारत में आप अंग्रेजी फैला दो, एक एक चीज सिखाओ, कोई काम प्रिंटेड नहीं कि फोटो आ रहा है फोटो जा रहा है, मैं चाह रहा हूं कि आप एक एक चीज को लिखो, कलम कॉपी लेके पढ़ो, ठीक है। तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाया जाता था यू वर, लिख लो पास्ट है तो यू वर, पढ़ना का टीच, पढ़ाना का टॉट, यू वर टॉट इंग्लिश, यू वर टॉट इंग्लिश, यू वर टॉट हिंदी, यू वर टॉट उर्दू, जो मन करता हो, तुम्हें अंग्रेजी पाया जाता था, तुम्हें पीटा जाता था यू वर बीटन, राइट। इस तरह से जितना चाहो आप अंग्रेजी बोल सकते हो, बहुत आसान है आपके लिए, इस तरह से आप खुद भी सीखो और मुझे कमेंट करो कि कैसा लगा, और इसके साथ साथ इसको शेयर करिए हमेशा के लिए, ताकि सारे बच्चे सीख जाएं। अगला वीडियो मैं अगले दिन दूंगा, थैंक यू वेरी मच।